दोस्तों, गुप्त काल हमारे भारत इतिहास का ऐसा समय था जब भारतीय इतिहास अपने असीम उत्कर्ष पर था, जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल भी कहा जाता है, तथा वह समय भारतीय इतिहास के आर्थिक, धार्मिक, दर्शन, साहित्य एवं विज्ञान के विकास का था। दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सके और उनके पश्चात उनके पुत्र घटोत्कच 300 ईस्वी में शासक बने, लेकिन वह भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सके। घटोत्कच के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम शासक बने, जिन्होंने अब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजा धीराज की पदवी धारण की। उन्होंने 319 में एक संवत चलवाया, जिसे आज हम गुप्त संवत भी कहते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त के पश्चात उनका प्रतिभा संपन्न पुत्र सुमित्रगुप्त 325 ईस्वी में शासक बना। वे एक महान योद्धा एवं कुशल सेनापति थे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने दिग्विजय की योजना बनाई और अपने विजय अभियानों के द्वारा उन्होंने संपूर्ण उत्तरी एवं दक्षिणी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसके प्रमुख अभियान जैसे आर्यावर्त का प्रथम अभियान, दक्षिणापथ का विजय अभियान आदि थे। दोस्तों, आर्यावर्त के प्रथम विजय अभियान के समय समुद्रगुप्त ने अच्युत नागसेन, गणपति नाग तथा कोटकुलच को हराया था। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए थे। उनके नाम थे देवपुत्र, शाहिशानुशाही, सक, मुरंड, सिंगल और सर्वोदोपवासी। अपने इन विजय अभियानों के तहत उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी के तट तक विस्तृत था, जिसका प्रमाण हरिशेल ने प्रयाग स्तंभ लेख में अंकित किया है। संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। प्रसिद्ध इतिहासकार विष्णु स्मित ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा है। दोस्तों, समुद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र रामगुप्त शासक बना 375 ईस्वी में। विशाखादत्त द्वारा रचित नाटक देवीचंद गुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त का पुत्र राजनीतिक दृष्टि से निर्बल पुत्र था। वह एक विलासी, दुर्बल और कायर शासक था। दोस्तों, रामगुप्त के पश्चात उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईस्वी में शासक बने और उन्होंने कुशलतापूर्वक शासन किया। उन्होंने शकों को पराजित करके उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनके शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसने अपने यात्रा विवरण में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन प्रबंध की कोटि कोटि प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महान कूटनीतिक, कुशल सेना नायक, कला साहित्य के संरक्षक व प्रजापालक सम्राट थे। दोस्तों, ये सभी गुप्त वंश के प्रमुख सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने इस साम्राज्य का अभूतपूर्व विकास किया। लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे जो अपने पूर्व रहे शासक जैसे नहीं थे, परंतु इन्होंने अपने साम्राज्य की मर्यादा बनाए रखी। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था, जो 415 ईस्वी में राजा बना। उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त एक विशाल एवं सुसंगठित राज्य का उत्तराधिकारी था, परंतु उसमें समुद्रगुप्त जैसी विजय वाहिनी, सैन्य शक्ति तथा चंद्रगुप्त जैसी प्रशासन की क्षमता नहीं थी। फिर भी उसने साम्राज्य की मर्यादा बनाए रखी और विद्रोहियों से साम्राज्य की रक्षा की। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पश्चात उनका पुत्र मगध के राज सिंहासन पर 445 ईस्वी में आरूढ़ हुआ। स्कंदगुप्त ने अपने पिता कुमारगुप्त के समय हुणों के आक्रमण से देश की रक्षा की थी। दोस्तों, स्वराष्ट्र में गिरनार जूनागढ़ के पास स्थित सुदर्शन झील का इतिहास बहुत पुराना है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकालीन गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। रुद्रादमन ने इनकी मरम्मत करवाई। स्कंदगुप्त के समय इसके बांध टूट गए थे, स्कंदगुप्त ने ही इसकी पुनः मरम्मत करवाई। उसी समय यहाँ एक विष्णु मंदिर भी बनवाया गया। स्कंदगुप्त के पश्चात कुमार द्वितीय और बुद्धगुप्त ने 467 ईस्वी से 495 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन कुशलतापूर्वक संचालित किया। इस काल तक गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बनी रही, परंतु इसके बाद गुप्त साम्राज्य विघटित होने लगा और 550 ईस्वी तक इस वंश का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। दोस्तों, ये थी गुप्त साम्राज्य के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।